मेन मंदिर शिव जी का वहाँ पे, बाकी इसके चारों तरफ जो है शिवलिंग बने हुए। जो सबसे पहला शिवलिंग आता है वो है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल। वहाँ से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और बीच में एक शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। हाथ जोड़ के जो मांगेगा ना सब दे देते हैं। जैसे अच्छा इंसान बना दो, अच्छा इंसान बना दो मेरी ब्यूटी। हीरो हीरो कहाँ जा रहा है? हीरो घूमने जा रहा हूँ। कहाँ पे? बोल कंचन धाम। कंचन धाम या तो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस वंस अगेन। आज क्या थोड़ा छुट्टी का दिन था, सोचा कि फैमिली को थोड़ा घुमा के लाया जाए। आ जाओ दोनों गंजे बंजरो, आ जाओ आ जाओ। तो गाड़ी वगैरह हमने धो ली बढ़िया, अभी जस्ट धो के निपटे। और ए गिर नहीं जाना, रुक जा, मुझे इधर से जान दे। अरे बाप रे, देख के बैठना, पॉन्टी उसको भी ले ले। चलो 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 चलो, गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट कर। फोंटी कर रहा हूँ। आजा अंदर आजा गंजी, पसीना आ गया ना। थोड़ा तेज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। भाई पेट्रोल नहीं है तो बिल्कुल भी। ओ भाई साहब, लाल तक नीचे चला गया। तो यहाँ से लगाएंगे हम मैप सबसे पहले, तो क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं किस साइड जाना क्या है। तो गाड़ी को अपन लगाते हैं एक साइड सबसे पहले। ये हमने लगा लिया मैप, ये दिखा रहा हमें केशवराय पाटन होते हुए, खटखड़ होते हुए यहाँ पे कंचन धाम है। और इधर से भी एक दिख रहा है, थोड़ा लंबा दिख रहा है, तो हम जाएंगे इस वाले से। ठीक है ना मन्नू, छोटे वाले चले ना। बड़े वाले से क्या करेगा यार, इसको यहाँ लगा देते हैं अब। ठीक है ना, इसको फिट करने दो यहाँ पे। तो फाइनली अभी हमने लगा लिया रूट, ये लग रहा है हमारा चल रहा है यहाँ पे मैप वगैरह। और 12 ज्योतिर्लिंग बताया जाता है वहाँ पे कंचन धाम में, और बहुत ही सुंदर जगह है। जितना मैंने वीडियोस और फोटोज वगैरह देखे ना नेट पे, काफी सुंदर जगह है। बस आज का मौसम अच्छा नहीं है, धूप हो रही है, फुल देखते हैं शायद बूंदी साइड ठीक ठाक मिल जाए मौसम। और अभी हम आगे केशवराय पाटन वाले रोड पे। दो कचोरी, मनु क्या खाएगा बच्ची? गोल चीज क्या होती है? कचोरी। और तू? और मैं दो कचोरी। तीन कचोरी दो समोसे हो गए। यही बैठो तुम दोनों तीनों। तो लिया है समोसा कचोरी मस्त एकदम। मन्नू की समोसा कचोरी खाए भाई, ये रही तेरी चटनी डालो। कौन सी डालेगा बता? मम्मी गिराओ रे दोनों। क्या आ गया? कच्चा धाम नहीं है अक्ष, कंचन धाम। और पहली बात तो कच्चा धाम, बाकी यहाँ खेती मस्त है। देखो एक साइड है रे, हाँ, देखो आंटी कितने सारे खेत है, देखा बहुत ही मस्त है, ग्रीनरी हो रही है फुल। हाँ। देखो दोनों साइड मस्त एकदम। और सिटियों में तो पेड़ का नाम निशान नहीं। तो गाइस अभी ये सो रहा है और चाची यहाँ से देख रही है, और चाचा गाड़ी चला रहे हैं। तो वैसे अभी हम खटखड़ पहुँचने वाले हैं और पहुँच गए। और अभी यहाँ पर एक जाम लग चुका है। जाम जा रही है, रोड खाने वाली मशीन है, देख लीजिए। देख रोड खाती है, दिख रही है तेरे को? खाती मतलब रोड उखाड़ देती है, ये उखड़ गया ना देखो साइड का। और वो देखो ऊपर, देखो ट्रक में देखो क्या कर दिया, उसको निकाल निकल रही है ना, ये पूरा रोड निकाल देगी ऐसे धीरे धीरे खा खा के।
खाऊ मशीन है, टोंटी है खाऊ मशीन। खा गई ना देख पूरा रोड, देख सामने देख रहा है रोड, पूरा रोड ही खा गई देख। निकल लो बाघो पीछे, टोंटी तो आ गया है। क्या उल्टा फंसी पड़ी हो तुम? नहीं चाची, गाड़ी ऐसे चल रही है बेटी, ये उल्टा। अरे क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? मैं बोल ही तो रहा हूँ तू यहाँ पर बैठ जाना, रुक तो जा, दो मिनट सफर ही नहीं रखता। जो नहीं लग जाता है बार बार में यार, पदोड़ी है कितने से लगते हैं। अब तो आ गया, जब अंदर लाख हाँ पहाड़ पे जाते तो अच्छा लगता। और ये देखो ऐसा लग रहा मनाली वगैरह में घूम रहे हो जैसे, मस्त है ना मन्नो। ये लाखे की ईंटे यहाँ से आई है अपने घर की ईंटे पोंटी, पता है? हाँ यहाँ की ईंटे फेमस है लाखेरी की, सब ईंटे बनती हैं। हैं क्या है की दुनिया है ये? हम की दुनिया है ये? हाँ। हम की दुनिया क्या होती है? हम की टंकी, हम का घर, हम की दुनिया और हम का रूम और हम के पहाड़ और हम का पेड़, सब हम की हमारी दुनिया है, आपकी दुनिया है। अच्छी जगह ना मनु देख, ग्रीनरी ग्रीनरी ना, बस चार तरफ जाएगा। और फाइनली कितना बचा हमारा, 170 मीटर, मतलब यही भीड़ लग रही जो यही है। आगे फाइनली पहुंच गए हम कंचन धाम, करीबन 1.5 घंटा लगा हमें। अगर नॉन स्टॉप आते तो बीच में नाश्ता वगैरह करने रुके जाए तो भाई, ये तो बहुत बड़ा है यार, दूर दिखाता हूँ मैं तो, कितना बड़ा गेट है इसका। अरे बन्नू हाथी घुस जाएगा इसमें तो पूरा। गाड़ी को लगाते हैं अपन एक जगह पहले तो। आ जा प्रोग्राम करना हो तो बढ़िया बढ़िया है। अच्छा पहाड़ दिखा, लावा लावा रेड रेड लावा है, इसको किसने बता दिया लावा? आ जा मनु, आ जा आ जा आ जा मनु, अरे इधर आए ना, आ जाओ। अरे वाह, पर भाई गर्म हो रहा होगा यार ये तो, गोदी ले लो मम्मी। ये देखो बहुत ही बड़ा भाई साहब, ओ गर्म है यार ये, घंटी बजाएगा। अरे भाई 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 निवजी ना भाई, जल जाएंगे फिर ध्यान से। चलो भागो भागो भागो, जल्दी जल्दी भागो इधर से। सो फाइनली अभी हम पहुंच चुके कंचन धाम शिव जी के जो मन, अरे भाई गर्म होते हैं तो बोलने में जान जा रही है। सो फाइनली हम पहुंचे कंचन धाम दर्शन करने, और अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से मेन मंदिर शिव जी का वहाँ पे, बाकी इसके चारों तरफ जो है शिवलिंग बने हुए। जो सबसे पहला शिवलिंग आता है वो है सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग, जो कि सौराष्ट्र गुजरात में यहाँ लिखा हुआ भी है, और अंदर ये शिव जी का शिवलिंग भी बना हुआ है देखो। अरे भाई जल गया ना पैर, है जान निकल रही है ना, ये पत्थर इतना ज्यादा गर्म हो रहा है, हालत खराब हो रही है चलने की जी। ये किस तरीके से देखे, यूं देखे कि यूं देखे, इसे यूं करके पूरा गोल घूमना पड़ेगा ना, फिर ये आखिरी में ही है ना। ला जाओ चलो इधर से निकलते हैं, इधर से आ जाओ। ये पहला मंदिर है, पहला ज्योतिर्लिंग है, सॉरी मंदिर नहीं, तो ये था पहला ज्योतिर्लिंग। चलो मन्नू चलेंगे जब तो मजा आएगा, भाग जान दो आ जा, हैंड हैंड क्या, भाग 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 भाग, जागो नहीं भागो। और ये दूसरा है ज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन श्रीशैली आंध्र प्रदेश में, ये सेकंड है। इस तरीके से क्या है यहाँ पे सारे मंदिर बताए गए एक एक करके, जैसे वो था गुजरात का, ये महाराष्ट्र का, अगला देखेंगे वहां पे किस चीज का। ऐसे बेटा ऐसे चढ़ना नहीं, पैर नहीं रखना, माफी मांगो, यहाँ नहीं लगा सकते आप पैर, सॉरी बोलो, कान पकड़ के सॉरी महादेव, हाथ जोड़ो। तो चार तरफ देखो कितना बढ़िया गार्डन बनाया हुआ है। अरे आप बारिश में आने का अलग मजा है, कोई आता ही नहीं, मम्मी को मैंने इतनी बार बोला चले पूरी फैमिली चले, कोई आता नहीं, इतना सुंदर जगह मुझे पता है इसकी। और तीसरा शिवलिंग है हमारा ये उज्जैन MP में जो आता है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। यहाँ जो बच्ची यहाँ तो बैठे हैं थोड़ी देर,
छोटे वाले शिवलिंग भी है, बेबी शिवलिंग। हाँ यहाँ वो मेरे दोस्त ने यही तो कहा था, मेरे दोस्त ने यही तो कहा था कि तुम्हें ना वो ले जाओ पूड़ी वूड़ी बना करके यहाँ आकर के मस्त खाना, अच्छी जगह बैठे हवाई एक राइड यही भी हुई थी अभी बारिश। अब की बार ना सबको लेके आएंगे, ये सब नाटक नहीं करेंगे जो चलो बनो शानदार जगह बहुत प्यारी। भागो भागो गरम हो रहा है, जो भग भग के दर्शन कर रहे हैं बच्चे। तो ये है हमारा चौथा मंदिर मालवा मध्य प्रदेश के, ये है क्षुर ज्योतिर्लिंग मालवा मध्य प्रदेश का एक और। हाँ जल्दी जल्दी है जुड़ो, जे जे करो जे जे करो, बोले बाबा की ताकत से नहीं लात नहीं यार बेटा, हाथ लगाते हैं बस, हाथ लगा चलो मैंने लगा लिया। अच्छा लग रहा है ना डांस कर करके, घूम घूम के देख रहा हूँ इधर इधर बेटा, हाँ इधर से देखेंगे अपन सारे। भागो 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 डिचुक 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 भागो भाग। ये आ गया हमारा पांचवा ज्योतिर्लिंग झारखंड का देवघर में जहाँ पे है वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, और इसके भी हम दर्शन करने वाले हैं है ना। ऐसा अलग अलग मंदिर जो बोले बाबा की हाथ लगा के लगा लिया पहले से चलो ये बात चलो आ जाओ भाग 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 के दर्शन करेंगे भाग भाग के भाग भाग भाग। ये आ गया हमारा छठा मंदिर नाम है, अब बता ये है सिक्स्थ नंबर, बता कौन सा मंदिर है ये। भीमा शंकर, भीमा शंकर महाराष्ट्र में, और ये है महाराष्ट्र का भीमा शंकर मंदिर, और मंदिर नहीं ज्योतिर्लिंग, हर बार मेरे मुंह से मंदिर मंदिर निकल रहा है। अरे वाह यार इधर भी कुछ बनाया हुआ इन्होंने, पर्सनल कॉटेज है क्या पुजारियों का शायद, देखो वो सामने यार यहाँ पे ना दाल बाटी का प्रोग्राम कराओ मस्त, पंडितों से बात करनी पड़ेगी क्या सीन रहता है यहाँ। अभी जाते हैं तो बात करके आऊंगा, बाहर जो बना रहे ना अगर कभी फैमिली का छोटा मोटा प्रोग्राम हो तो 15-20 जनों का तो हम करेंगे। अरे मन इधर से अपना इधर से भागेंगे बना जाओ आ जाओ आ जाओ भागो डिचिक डिचिक भाग भाग मैं जा रहा हूँ बाय बाय भागो 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 भागो। ये कौन सा वाला ज्योतिर्लिंग है बताओ, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलो रांगेंगे गंगे। अरे रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलो, चलो आ जाओ कर दे उसने चलो जे हो प्रभु जी घंटी ये कौन सा मंदिर है बताओ वाला, गुजरात के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। हाँ चलो ये है गुजरात के अंदर है, चलिए अंदर दर्शन करते हैं। ये टोपी ऐसे मत रखे बार बार ले जाएगी नहीं तो मार दो इनको। हाँ पैर फिर लगा पैर ही लगाते सांस ही भूल गई ना, आ जाओ अब 12 ज्योतिर्लिंग है टोटल, वहां से गिने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, और बीच में एक शिव जी और पार्वती जी का मंदिर है। और ये आता है हमारा अगला वाराणसी यूपी में विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग काशी वाराणसी एमपी, ठीक है वाराणसी का मंदिर है शिवलिंग। डांस करो दिखा दो मनु शिव जी का कैसे डांस करते हैं, तांडव तांडव करके दिखाओ दोनों, चश्मा ले आया मेरे दो दो तीन तीन चीजें पटक दे मेरा, तांडव करके दिखाओ दोनों आओ नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग पे चलते हैं भागो भागो। ये है त्रिकेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र का, मुझे बोलना नहीं आ रहा, त्रिकेश्वर मंदिर अभी भी नहीं बैठा ऐसा कुछ नाम है, त्रिकेश्वर त्रिकेश्वर मंदिर महाराष्ट्र का। ये एक और वाह ऐसे पोज देके बैठेगा क्या, और भाई साहब कल्डी दे रहा था तो पूजा यार आ जाओ सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट है शायद। अगला है हमारा केदारनाथ ज्योतिर्लिंग, ये तो सबसे फेमस है केदारनाथ बाबा, मतलब फेमस तो सारी ही पर इसकी मान्यता ज्यादा है, वीडियोस ब्लॉग वगैरह में ज्यादा है ना इस वजह से। चाचा ये देखो जी इनका शंख टूट रखा है, कोई नहीं अपन कुछ नहीं कर सकते, रोक लगाओ पीछे से मारूंगा ये कैसे पीछे का रहा है ए पेड़ नहीं
ऐसे ये बात। और अब आ रहे हैं हम हमारे आखिरी शिवलिंग पे, जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र के क्या नाम है इनका, दशमेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब देखो मैं एक चीज बताता हूँ, मुझे इतनी ज्यादा संस्कृत वैसा आता नहीं, मुझे आइडिया भी नहीं क्या बोलते हैं प्रॉपर, अगर गलती हुई तो उसके लिए अभी से सॉरी। बाकी मैंने कोशिश की यही नाम है उनके जहाँ तक है जी हो बाबा। और यहाँ पे होते हैं हमारे आखिरी, सबसे पहले आपने वहीं ढोक दिए थे ना, वहीं ढोक लगाई थी ना। चलो अब यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर तसल्ली से, आ जाओ बैठ जाओ थोड़ी देर बाबा के दरबार, वहाँ तो सबसे लास्ट चलेंगे। कैसी लगी जगह बताओ मनु, मजा आ गया ना? बोलो बोलो जे जे से मांग ले, जे जे दे देते हैं, जो भी हाथ हाथ जोड़ के जो मांगेगा ना सब दे देते हैं जे जे। अच्छा इंसान बना दो मेरी ब्यूटी, मांग ले जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति दो मुझे भी अच्छा अच्छा स्वस्थ रखना, क्योंकि पहली चीज है स्वस्थ होना, उसके बाद है सब पढ़ाई वगैरह। क्यों आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सब कुछ कर सकते हो, मतलब क्या पढ़ाई जोर से कराना, आपको पढ़ाई जोर से करा दें, करा देंगे जोर से पसीना। ये खास उठला है तुम, ये बिना पैसे दिए लिया, ये किसने दिया तो फिर पैसे नहीं, पैसे इसके पैसे किसने दिए वहाँ पे पता नहीं किससे मांग लाया, तो पैसे तो देने पड़ेंगे, बिना पैसे के थोड़ी देते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा लाया है पागल बच्चे। वो मेन जेजे के चलेंगे वहाँ करेंगे, लो पकड़ो। जब से तो ये पाँव नहीं रख रहा था जमीन पे, गंदे हो जाएंगे मन्नू, और अब भाग रहा दृढ़ा दृढ़ा ऐसे ही। बहुत सुंदर जगह है यार, अच्छी जगह। चलो चढ़ा दो, जय हो नंदी बाबा की, जय हो। अब इसको मैं चढ़ा दूं, जय हो। सारी टेरा गिर मत जाना तू, बस 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 चीटे घुस गए ना। अब मैं पंडित जी बन जाता हूँ, ठीक है ना। मनु को पहले सर पूछना, इसका पूरा पसीने में हो रहा है पागल, इसको बाल करो सही, लग अच्छी बाल सही करे देना, ये जो लिखी पूरे पे लगा दूं तो बड़ा मतलब, अरे अच्छे से हो जाएगा इसमें। हाँ, मेरे भी करना। अरे ठंडा ही देता हूँ तो, वो है चंदन है वो तो मस्त, इस पे मैं डिजाइन और बना दूंगा मन्नू के, ठीक है ना। इसे बाल ऊपर ही कर दो माला, ले मन्नू दिखा, दो मिनट दिखाना पापा को, इधर सामने देख पापा को देख, हाथ नहीं लगाना मन्नू, अब मैं अच्छा बना रहा हूँ। अरे वाह यार मस्त बन गया मन्नू, इसको यूं पकड़ ले बालों को, पूरा ऐसे बनाओ ना पोंटी जैसे, ठंडा ही आ गई ना, ये मन कर रहा है कि इससे पूरा वहाँ पर पानी, इसको पूरा पानी से भर के ना लूं। अब देख इधर, अरे भांडे मत, हाँ छोड़ दे तू छोड़, देख दिखा ना इधर, दिखा इधर, देखा मस्त लग रहा है। मैं भी लगाऊंगा अपने, मैं खुद के लगाऊंगा, रुक जाओ। अरे भाई क्या ठंडक मिल रही है, हाँ मैं कभी मस्त है यार, मन कर रहा है कि इससे पूरा स्विमिंग पूल में ना लेना, ठंडक आ गई ना देखो कपड़े में। चंदन है ये, मैं भी पूरा बन जाऊंगा, लग गया क्या पूरा, वो तो रह गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ले मेरे इसके ऊपर बिंदी दे दो मेरे, वाह यार मस्त हो गया काम, दिखा तीन आते मन ये। तो दोस्तों ये था कुछ कंचन धाम ज्योतिर्लिंग का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ व्लॉग पसंद आया होगा, काफी ज्यादा मजा आया, डेढ़ दो घंटे करीबन हमने यहाँ पे दर्शन किए पूरे शिवलिंग के। और तेने एक चीटा मार दिया, गंदे बच्चे पागल, शिव जी पिट्टी कर देंगे, हाँ पागल मत हो, चीटा मार दिया बेवकूफ ने, मारा नहीं बच गया, मगर अभी तो इधर से उधर, खैर बचाओ उसको तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ऐसे नहीं करता, पर यार गंदी बात हो जाएगी शिवजी पिट्टी कर देंगे अगर ये रात में। तो दोस्तों ये था कुछ आज का व्लॉग, काफी ज्यादा मजा आया, काफी सारे हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर लिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी पूरी दुनिया में, हमने एक ही जगह आकर के कंचन धाम जो जो ज्योतिर्लिंग के लिए फेमस है हमारे यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग के लिए, वहाँ पे आकर के हम सभी ने दर्शन कर लिए, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, फुल मजे, अभी भी देख लो खेल ही रहे, मजे मार रहे हैं।
तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए लाइक सब्सक्राइब करके मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तो भाई साहब यार ये जैसे मंदिर में कभी आए और मेरे दाल बाटी का प्रोग्राम करे तो कौन करता है यहाँ पे, खुद ही बनाते हो क्या, रुपए लेते हो?